मेरा अपमान मैं सह लूंगा, लेकिन आज कमलनाथ आपने अन्याय की अति की है, पराकाष्ठा की है। तुमने ग्वालियर चंबल की माटी की एक बहन एक बेटी का अपमान किया। इमरती देवी गरीब के घर पैदा हुई होगी। इमरती देवी मजदूरी करके विधायक बनी और फिर मंत्री बनी। इमरती देवी ऐसी जाति में पैदा हुई, लेकिन किसी गरीब की बेटी का अपमान करने का अधिकार तुम्हें है क्या? शर्म आनी चाहिए कमलनाथ को, किसका अपमान कर रहे हो? समझते क्या हो अपने आप को? क्या माँ बहन बेटियों के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ होने देंगे? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम माँ की आराधना कर रहे हैं। यह धरती माँ है, कमलनाथ जी जहाँ कहा गया है। देवता वही निवास करते हैं जहाँ माँ बहन और बेटी को सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। इस धरती पर बेटियां बहन का सम्मान नहीं होगा, वहां भगवान भी नहीं रह सकते। कमलनाथ जी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये वो भारत है जहाँ द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और एक वंश का विनाश हो गया था। कौन से धन के घमंड में हो तुम? इमरती बहन का अपमान मध्य प्रदेश के बेटी का अपमान है, यह मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। नवरात्रि चल रहे हैं, मैं उपवास रखता हूँ, लेकिन कल सुबह भोपाल में 10 बजे से 12 बजे तक मौन बैठूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपराध किया, प्रायश्चित वर्तमान मुख्यमंत्री करेगा। कल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के द्वारा मेरी सरकार की मंत्री, एक गरीब परिवार में जन्मी मेरी दलित बहन श्रीमती इमरती देवी जी के प्रति अभद्र टिप्पणी की गई थी। और तकलीफ की बात यह है कि इस टिप्पणी पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है, वो बेशर्मी से अभद्र कही बात को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। मन से मैं व्यथित और दुखी हूं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो प्रायश्चित करें ना करें, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा और 2 घंटे मौन व्रत रखूंगा इस संकल्प के साथ कि मध्य प्रदेश में माँ बहन और बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखा जाएगा। माता बहनों के कल्याण के प्रति हम समर्पित भाव से काम करेंगे। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। धन्यवाद। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरा अपमान कोई दिक्कत नहीं, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आज कमलनाथ तुमने अन्याय की अति की है, पराकाष्ठा की है तुमने अन्याय की। तुमने चंबल माझी की एक बहन की, ग्वालियर जिले की एक बेटी का अपमान किया है। यह घबरा गया था, वो वीडियो में जारी अभी सुना, अभी दिन भर में नहीं सुन पाया, अभी गाड़ी में बैठे बैठे सुना। इमरती देवी गरीब के घर पैदा हुई होगी। इमरती देवी मजदूरी करके तो विधायक बनी और मंत्री बनी। इमरती देवी अनुसूचित जाति में पैदा हुई होगी, लेकिन किसी गरीब की बेटी का अपमान करने का अधिकार तुम्हें है क्या? ये कमलनाथ सेठ कहते हैं इमरती देवी तो आइटम है, आइटम है। शरम आनी चाहिए कमलनाथ, जिसका अपमान कर रहे हो तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या माँ बहनों की, माँ बहनों और बेटियों के सम्मान के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की इजाजत देंगे आप? किस दिशा में राजनीति को ले जा रहे हो? और यह भी उस समय जब नवरात्रि चल रही है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संचिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम मां की आराधना कर रहे हैं और ये धरती वो है कमलनाथ जी, जहां कहा जाते यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जब माँ बहन और बेटी को
सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। जिस धरती पर बेटी और बहन का सम्मान नहीं होगा वहां भगवान जी नहीं दे सकते। तो कमलनाथ जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये वो भारत है जहां द्रौपदी जी का अपमान हुआ था तो पूरा महाभारत हो गया था और एक वंश का विनाश हो गया। कौन से धन के घमंड में हो? इमरती बहन का अपमान, मध्य प्रदेश की एक एक बेटी का अपमान है। ये मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। कार्यकर्ता भाइयों, कल मैं इसके खिलाफ उपवास तो नवरात्रि के चल रहे लेकिन भोपाल में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मौन बैठूंगा, मौन बैठूंगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपराध किया है, प्रायश्चित वर्तमान मुख्यमंत्री करेगा। मुझे भगवान ही को सद्बुद्धि दे देना ताकि फिर किसी माँ बहन और बेटी का अपमान ना करे। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। इमरती देवी पर की गई अभद्र और शालीन टिप्पणी के विरोध में भाजपा का सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रदेशव्यापी मौन धरना। इंदौर में धरने का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। आज कमलनाथ जी आज डबरा में सभा करने आए थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक अभद्र टिप्पणी आपके लिए की है, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, उनका बोलना स्वाभाविक है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो बंगाल का आदमी है। एक एससी की महिला, हरजन महिला की इज्जत करना वो क्या जानता है? और वो बंगाल का है, मध्य प्रदेश में महिला को नौदेवी चल रही, एक शक्ति माँ है, वो भी एक माँ है, दुर्गा माँ है, वो भी एक माँ है, और कहीं भी चले जाओ तो एक माँ की हर घर में पूजा होती है। तो वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए, उसको बोलने की सभ्यता उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो वहाँ को हम क्या कह सकते, कुछ भी कह सकता है वो। बम्बई में जो आपने इंदौर में देखा होगा किस तरीके से वो लेडीजन के साथ कैसे देखता है, घूर के कैसे कमर में हाथ डाल के हीरोइन के खड़ा होता है। तो मैंने आपसे एक ही बात कह दी, बंगाली आदमी है, मेरे प्रदेश का आदमी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मध्य प्रदेश में महिला की पूजा होती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। साथ ही एक और टिप्पणी की गई थी कि इमरती देवी के साथ में आपका नाम जलेबी के नाम से भी संबोधित किया गया था, इस अभद्र टिप्पणी के लिए आप उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, उनको मैं जय कर, वो भी महिला की इज्जत नहीं करना चाहती। उनने अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं करी, माँ को और अपनी बहन को लाते मार के बाहर निकाला, ते आप पूरे मीडिया ने चलाया, पूरे पेपर ने लिखा, विधानसभा में भी इनकी इतनी खींचातानी भाई के वोट बना बना के आदमी लेके विधानसभा में दिखा रहे थे कि अपनी माँ को कैसे खचूर के बाहर कर रहे थे, और कहूँ थाने बहन को भिजवा रहे, कहूँ माँ को थाने भिजवा रहे। उस व्यक्ति का क्या वो है? लोकसभा हारा, फिर विधानसभा हारा, प्रतिपक्ष का नेता था मध्य प्रदेश का, तो भी एक बार जीत के बता देता इमरती के बारे में क्या बोलेगा। इमरती की जनता इमरती से प्यार करती है, इमरती जनता से प्यार करती है, और मैं फिर अपना फिर वर्चस्व बनाऊंगी। क्या लगता है कांग्रेस इन जो अपशब्दों का प्रयोग करके अपनी सरकार फिर से बना सकती है? मैं बताऊं, सरकार का वो एक विधायक नहीं जिता सकते। आप मंचन से ऐसे बोलोगे तो हमारे क्षेत्र में वो आके इस तरीके से बोल रहे, वो भी मध्य प्रदेश, वो भी चंबल संभाग की महिला, हरजन महिला से ऐसे बोल रहे कि वो एक आइटम है। आइटम क्या होता है? वो तो यही जवाब दे दे कि आइटम होता क्या, उसकी माँ और बहन आइटम होगी बंगाल की, तो हमें ये पता थोड़ी है। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।